जी प्रणाम नमस्कार। मैं अमन यादव, आप सभी का भाई, आपका दोस्त। बहुत दिनों के बाद लक्ष्मी पूजा और छठ पर्व बीतने के बाद मैंने बोला था कि सांसद सुशील सिंह और न जाने कौन कौन जो नेता आज तक जनताओं को गुमराह करने का काम किया है, उनका पोल खोलूंगा। लेकिन इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी हाथ लगी है और मैं सोचा कि आप सभी को उससे अवगत करा दूं कि जिस नेता को जनता अपने क्षेत्र की विकास और जनता की सेवा करने के लिए अपना मतदान देकर के भेजता है, वह नेता न जाने कैसे जनताओं का भक्षक बन जाता है। जो नेता जनता का वोट लेकर के जनता की सेवा न करे और दूसरे लोगों की हत्या करवाने के पीछे उसका राज छिपा हो, तो फिर आम जनताओं की लोकतंत्र से भरोसा टूट जाता है। मेरे साथियों, आप सभी तमाम जो लाइव सेशन से जुड़े हैं, मैं आप सभी तमाम क्रांतिकारी साथियों, युवा साथियों को पुनः हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे साथियों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक व्यवसायी की हत्या हुई और हत्या होने के बाद पूरे ज्वेलर्स को लूटा गया। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपराधियों को यूपी से उठा करके लाने का काम किया और उनको जेलों में भेजने का काम किया, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को आभार व्यक्त करते हुए मैं जनता को ये बताने के लिए आज लाइव आया हूं कि साथियों, कुटुंबा में जो घटना घटी थी, सुजीत मेहता हत्याकांड, आपको याद होगा। इस हत्या में जो बाइक पर बैठा हुआ शूटर था, उसकी चेहरा और जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पकड़ाया है, उसकी चेहरा दोनों को मिलान किया जाए आप सीसीटीवी फुटेज से, तो इसे साफ दिखाई देता है इसमें कि जो शूटर सुजीत मेहता के हत्या में शामिल था, वही शूटर छत्तीसगढ़ दुर्ग में जाकर के अपराध व्यवसायियों का हत्या करता है और उनके ज्वेलर्स को लूटने का काम करता है। लेकिन मैं औरंगाबाद के एसपी महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर आज तक आपने असली शूटर को छुपाने का काम क्यों किया है और आपने एक नकली शूटर को पकड़ करके जनता को आपने बरगलाने का काम किया है, आपने प्रशासनिक विभाग पे सवाल खड़ा करवाने का काम किया है। न जाने आपने किसके दबाव में ऐसा कदम उठाने का काम किया है। एसपी महोदय, अगर आपके अंदर मानवता और इंसानियत है तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जो अपराधी पकड़ाया है, जो अपने आप को प्रशासन के सामने ये कहते हुए नजर आया है कि मैंने प्रशासन बहुत देखा है, यूपी झारखंड बिहार सभी जगह के प्रशासन को देखा है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ के प्रशासन ने अपना कड़ा एक्शन रुख अपनाते हुए हमें गिरफ्तार करने का काम किया है, मैंने आज तक छत्तीसगढ़ प्रशासन जैसे प्रशासन को नहीं देखा है। तो मैं औरंगाबाद एसपी महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह वाकई में जो शूटर छत्तीसगढ़ में पकड़ाया है, यह शूटर सुजीत मेहता हत्याकांड में इन्वॉल्व नहीं है? क्या आपने किसी नेता के दबाव में इस शूटर को छिपाने का काम किया है? इसका आपको जवाब देना होगा जनता के सामने और आपको बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया है। इस शूटर को छिपाने के पीछे राज क्या था आपका? आपने इस शूटर को छिपाया क्यों है? आप चले हैं जनता की सेवा करने,
आप चले हैं जनता की हिफाजत करने, और आप जनता के जो हत्यारा होता है, अपराधी होता है, आप उसको बचाने का काम करते हैं नेताओं के दबाव में। आखिर लोग कैसे प्रशासनिक विभाग पे, लोग कैसे पुलिस पे, लोग कैसे एसपी और डीएम पे भरोसा करेंगे? आपने अपने विभाग पे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। मैं पूछना चाहता हूं औरंगाबाद के एसपी महोदय से कि क्या सच में वो लड़का जो आपने आपको गौरव सिंह राजपूत, जो अपने आपको आपको मौसा कहने का काम किया कहा है, और आपको ये बताया है कि हमारे रिश्तेदार उन्होंने ये कहा है कि हमारे रिश्तेदार हैं औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह, हमारे मौसा हैं। क्या यह सच में आप उसके रिश्तेदार हैं? सुशील सिंह, आपको जनता के सामने ये बात को स्पष्ट करना होगा। आखिर कोई व्यक्ति आपको कैसे, जब बिना रिश्ते के आपको कोई रिश्तेदार नहीं बना सकता है? क्या आप अपने रिश्तेदारों को इस तरह की खुली आजादी दे देते हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों को संरक्षण देते हैं कि आप लूट खसोट करो, हम आपको संरक्षण देंगे, हम आपको बचाने का काम करेंगे? अगर गौरव सिंह राजपूत आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका साड़ू का बेटा नहीं है, तो आपको ये बात मीडिया में आकर के ये चीज को आपको सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से सुजीत मेहता हत्याकांड में अपना रोल निभाने का काम किया था, ये कहीं ना कहीं सांसद पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मेरे साथियों, मैं आपसे आज लाइव इसलिए हूं कि इस व्यक्ति का कनेक्शन गया से लेकर के यूपी, झारखंड, बिहार के कई जिला में हत्या के मामले में संलिप्त है, लेकिन आज इन्होंने जो कबूल किया है अपने आप को कि मैं सांसद सुशील सिंह के साड़ू का बेटा हूं, और सांसद सुशील सिंह हमें मौसा लगते हैं, तो आखिर क्या यह मौसा अपने साड़ू के बेटा को किसी व्यक्ति का हत्या करने की आजादी दे रखे हैं, किसी व्यक्ति को मर्डर करने की आजादी दे रखे हैं? क्या यह सांसद इसीलिए बने हैं कि जो व्यक्ति इनको दो वक्त की रोटी देता है, जो जनता, उसी जनता को ये मरवाने का काम करते हैं? मेरे साथियों, मैं पुनः औरंगाबाद के एसपी महोदय से कहना चाहता हूं कि सांसद सुशील सिंह की जो संलिप्तता है, सांसद सुशील सिंह के भी मोबाइल को जांच किया जाए, इसके पूरे लोकेशन को जांच किया जाए, ये कहाँ कहाँ और किस किस अपराधियों से इन्वॉल्व हैं। आखिर क्या अगर सच में सांसद सुशील सिंह का यह व्यक्ति रिश्तेदार है, सांसद सुशील सिंह के अगर साड़ू का लड़का है, तो सांसद सुशील सिंह इसको क्यों संरक्षण देने का काम करते हैं? आज तक इन्होंने इसको बचाने का काम क्यों किया है, ये जनता को बताना होगा। और मैंने ये भी अखबार में देखा था, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि एक व्यक्ति इसमें जो है इन्वॉल्व, सांसद सुशील सिंह का पुत्र है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अखबारों के माध्यम से जो पता चली है, अखबारों में है। मैं पूछना चाहता हूं सांसद सुशील सिंह से, आपकी क्या चीज की कमी हो गई कि आपके बेटा या आपके रिश्तेदार के, आपके साड़ू के बेटा लोगों की हत्या करने पे मजबूर हैं? क्या आपको पैसे की कमी है, या आप गरीब व्यक्ति का जान लेना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा एक सांसद होकर के जनता की सेवा करना है, कि आप जनता को
हत्या करवाने के लिए आप सांसद बने हैं, ये आपको जवाब देना होगा। और मैं एसपी महोदय औरंगाबाद से पुनः कहूंगा कि सुजीत मेहता के जो हत्याकांड में आपने जो बहुत बड़ी बात को छुपाया है, इसको सार्वजनिक करना होगा। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरफ्तार हुई है, उस व्यक्ति को औरंगाबाद के कारावास में भी आपको उपस्थित करवाना होगा, और इससे जांच पड़ताल इसको करके इससे भी सारी बातों को आपको खंडन करना होगा, और बताना होगा कि हाँ, यह वही व्यक्ति है जो सुजीत मेहता हत्याकांड में आगे के जो बाइक पर चला रहा है, यह व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में स्वेटर पहना हुआ है, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देने का काम किया है, छत्तीसगढ़ पुलिस को ये कहने का काम किया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस सच में हावी है, वह व्यक्ति का कनेक्शन कुटुंब ददपाल निवासी, अंबा के ददपाल निवासी सुजीत मेहता हत्याकांड के पीछे उसका क्या राज था, वह किसके कहने पे सुजीत मेहता के हत्या किया था, इसकी भी जनता के सामने आपको दिखाना होगा मेरे साथियों। इसलिए मैं पुनः जो औरंगाबाद के एसपी ने यह गंदी खेल खेलने का काम किया है, और आदमखोर प्रतिनिधि के संरक्षण में ऐसे लोगों को बचाने का काम किया है, मैं यहाँ के डीएम प्रभारी से, डीएम सर से आग्रह करना चाहता हूं कि इस एसपी की पूरी तहकीकात को खंगाला जाए, यह एसपी सच में जनता का रक्षक है या फिर जनता की भक्षक। आखिर यह एसपी इस तरह का काम क्यों किए, ये सार्वजनिक करना होगा। मैं लाइव के माध्यम से यहाँ के सांसद और एसपी दोनों से मैं आज पूछने आया हूं, अगर 24 घंटा के अंदर यहाँ के एसपी और यहाँ के सांसद प्रतिनिधि इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, तो मैं पुनः आप सभी के बीच लाइव सेशन से आकर के इनकी, अभी मैंने इनको ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है, मैं पुनः इनको पोल खोलने का काम करूंगा, और इनको बताने का काम करूंगा कि यह सांसद जो है एक नंबर के आदमखोर है, यह सांसद जो है एक नंबर के जातिवाद है, यह सांसद केवल जातिवाद करता है और बैकवर्डों को हत्या मर्डर करवाने के पीछे इसका बहुत बड़ा राज छिपा है, और यह सांसद इसीलिए बना है कि बैकवर्ड तबके के जो व्यक्ति है, जो नेता बनना चाहता है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, जो जनताओं के बीच अपनी आवाज बनना चाहता है, उस व्यक्ति को हत्या करा करके पिछड़े दलित महादलित अल्पसंख्यकों की आवाज को, यह सांसद औरंगाबाद का आवाज को दबाना चाहता है। इस सांसद की यह गंदी खेल अब जनता के बीच नहीं चलने वाली है मेरे साथियों। इसलिए हम पुनः आप सभी तमाम जो हमारे लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए, और अंत में मैं डीएम महोदय सर से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए यही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है उसका सीसीटीवी फुटेज, और कुटुंब अंबा में जो घटना घटी है इस दोनों का सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए दोनों की तस्वीर को मिलाया जाए। अगर यहाँ के एसपी ने असली शूटर को गिरफ्तार कर रखा था, तो फिर यह जो शूटर जो अंबा की घटना में संलिप्त है, वह साफ चेहरों से झलकता है, तो फिर वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग में क्यों पकड़ाया? क्या यहाँ के एसपी ने किसी के दबाव में उस शूटर को बचाने की प्रयास कर रहे थे? यह बातें जनता को बताना होगा, और यह बात जनता के बीच रखना होगा मेरे साथियों। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं पुनः आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस एसपी आदमखोर, इस एसपी
और आदमखोर सांसद प्रतिनिधि की पोल खोलने की काम करे, ऐसे गंदे और ऐसे नीच सोच रखने वाले सांसद को सांसद की कुर्सी पे बैठने की कोई अधिकार नहीं है। और ये अपने इर्द गिर्द जो एक दो लफुआ पाल करके रखा है, जो ये कहने का काम करता है और हमें डराने का काम करता है, शायद इसको ये पता नहीं होगा कि ये अमन यादव है। न अमन यादव कभी किसी से डरा है, न कभी किसी से डरेगा। मैंने लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का, मैंने वही बात बोला है। मैंने लोकतंत्र में लोकतंत्र पे भरोसा रखते हुए अपनी आवाज को उठाया है, अपने समाज के प्रति जो घटना घट रहा है उस आवाज को बुलंदी से उठाने का काम किया है। प्रतिनिधि की बोल मेरे साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आपसे विदा लेते हुए यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि यह वीडियो हमारे उच्च पदाधिकारियों तक जा सके और औरंगाबाद के अंबा की जो घटना घटी है इसकी जांच और छत्तीसगढ़ की जो घटना घटी है दुर्ग में उस दोनों की जांच करके ये एसपी पे एक सवाल उठाया जाए और ये सच्चाई दिखाया जाए कि क्या सच में जो दुर्ग में जो घटना घटी, जो अपराधी गिरफ्तार हुआ, वही व्यक्ति और अंबा में था या नहीं, इसकी सार्वजनिक किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।